खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं डीयू के अवनी जयेश जी, ये जो आरोप लगातार विपक्षी दलों की तरफ से लग रहा है कि अंग्रेजों के टाइम में फूट डालो राजनीति होती थी, फूट डालो शासन करो, यही आरोप अब इस समय बीजेपी के ऊपर लग रहा है, इसमें आप कितनी सत्यता देखते हैं? हालांकि आप आरएसएस से आते हैं, आरएसएस विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति कर रहे हैं? मैं शोभना जी आपको ना दो लाइनें पढ़ के सुनाता हूं, और जितने लोग पैनलिस्ट हैं और जितने आपके दर्शक इस समय, मैं चाहूंगा कि वो बताएं किसका कमेंट है ये। ठीक है, एक कमेंट में पढ़ा जो लोकसभा में दिया गया है। थिंग्स आर गोइंग टू बी डन अगेंस्ट हिंदूज इन पाकिस्तान, दोज हु आर, ये बीच में नहीं बोलेगा ये आदमी, आप लोग क्या इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं? तिरंगे से किस हिंदुस्तानी को एतराज हो सकता है? ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। अमीर हैदर जैदी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है सरकार के ऊपर की बांटने की कोशिश, ये सरकार पर और बीजेपी या आरएसएस पर ये आरोप लगातार तमाम लोग लगाते रहे। मैं दो लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ, लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य, कोई ये नहीं कि व्हाट्सएप फैक्ट्री का है ये। अरे शांत हो जाइए। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये किसका बयान है? थिंग्स आर गोइंग टू बी डन अगेंस्ट हिंदूज इन पाकिस्तान, दोज हु आर कमिंग एंड दोज हु हैव कम हियर बिफोर आर कॉल्ड रिफ्यूजीज, दे आर नॉट रिफ्यूजीज, they have to have a home to be provided. This is a country which should be home for them. आपको मालूम है किसका बयान है ये? किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता का नहीं है ये, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हिरन मुखर्जी का है ये। आप चाहें तो अब हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लें। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं, शोभना जी, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही हूं। मैंने अपनी बात तो कही नहीं अभी। हाँ, कही है। अभी सबसे असल में ये बांटने की राजनीति चाहते हैं, हिंदूज और मुसलमान किया जा रहा है। आप, मैं बता दूं, महात्मा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह और प्रकाश कारात तक उन्होंने हिंदुओं का शब्द, हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। ये बीच में मैं ना बोलता हूँ ना, मैं टॉलरेट करता हूँ, उन्होंने हिंदू कहा है। और ये बात बिल्कुल, अगर इसमें मैं कहता हूँ कि अगर आप जिस भी कहें, त्रिदीप चौधरी कहें, आरएसपी कहें, जिस भी पार्टी का नेता कहें, राम मनोहर लोहिया कहें, उस पार्टी के नेता का, मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम यहां के रहने वाले नहीं, जी आप जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वहां पर आज भी आया जैदी साहब के साथ। जैदी साहब आप नेता भी हैं सीपीआई के, एक मिनट, जैदी साहब आप मुसलमान है और देश के एक आजाद मुसलमान है, एक मिनट जैदी साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अरे सर सुन लिया आपने, बोलेगा आपकी ये बात जी, तो आप ये बताइए मुझे, एक मिनट, क्या हैदर जैदी साहब आप मुझे ये बता सकते हैं तथ्यों के साथ कि जो ये नया कानून, नागरिकता संशोधन कानून है, इससे आप मुसलमान होकर असुरक्षित हो गए क्या? नहीं नहीं, अगर असुरक्षित, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने डिमांड क्यों की थी, मुझे इसका जवाब चाहिए। एक मिनट, आज का सवाल नहीं है, वो भी जवाब, सवाल ये है कि मनमोहन सिंह ने डिमांड क्यों की थी? अगर इसमें हिंदू और मुसलमान का बंटवारा है तो मनमोहन सिंह, हिरन मुखर्जी, त्रिदेव चौधरी, ये सवाल नहीं, ये आज का सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। सवाल अगर ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा है तो तमाम पार्टियों के लिए विकास हो रहा है। कि मुसलमान होकर अमीर हैदर जैदी इस देश में कितना डर रहा है? जवाब तो दे रहा हूँ। अगर एनपीआर से गरीब का विकास की योजना बना रही है सरकार, तो गरीब के माता पिता की जन्म तिथि पूछने के बाद विकास होगा? वो मैं जवाब ले लूंगी प्रेम शुक्ला से। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बार बार आप ये कह रहे हैं कि बांटा जा रहा है, डराया जा रहा है, क्या आप डर रहे हैं? मुझे तो लग नहीं रहा है, जिस तरह के उदाहरण आप दे रहे हैं, मैम ने, भेड़िया की, आप डर रहे हैं, कोई जाएगा उसे प्रेम शुक्ला जी,
पोशाक देखकर कार्रवाई करती है, पोशाक देखकर ये दंगाई गई पहचान रही है, ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, गलत फहमी की शिकार मत हुई है। ये तबका है दलितों का। अच्छा ये बता दीजिए कि जनगणना में, जनगणना का जब रजिस्टर बनता है हैदर जैदी साहब, अरे तो सुनते ही नहीं आप। टैक्स लगाया था रेशम उद्योग के कारीगरों के बूटे कटवाए थे, उस तरह से ये सरकार कुछ भी बोलते रहिए आप ना सुनिए सवाल ना आप जवाब दीजिए, ना आप सवाल सुनिए। आपको ये पता है कि जनगणना के रजिस्टर में जो जानकारी ली जाती है वो क्या है, बस ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं आगे। हाँ जिस तरह से अंग्रेजों ने, अरे क्या बात हो गई, आप फिर अंग्रेजों को ले आए जनगणना में, आप बताइए उसमें कब पूछा गया कि माता पिता की जन्मतिथि कब हुई थी, ये आपको अभी आपने क्या एनपीआर के रजिस्टर का फॉर्मेट आ गया है क्या सामने, या माता पिता की जन्मतिथि सर एनपीआर के रजिस्टर का फॉर्मेट आ गया है क्या, क्यों आप लोग गुमराह कर रहे हैं सर। गूगल के जमाने में आप रह रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं आप अपने दादा की जन्मतिथि, भगवान भगवान राम के जन्म की तिथि पूछ रहे थे, भगवान राम के जन्म स्थान को पूछ रहे थे तो और अपने माता पिता की नहीं बता सकते, जन्मतिथि भगवान राम का जन्म स्थान पूछ रहे थे तुम, वही ना अमीर हैदर जैदी जो बता कह रहे थे कि बताओ कैसे हुआ अयोध्या में राम का जन्म, तुम वही ना अमीर हैदर जैदी। गरीब के माता पिता की आप जन्मतिथि पूछ रहे आपको अपनी डिग्री माता पिता की नहीं बता सकते, भगवान राम की पूछ रहे थे, कमाल है, एक मिनट अमीर हैदर जैदी, अमीर हैदर जैदी मेरे साथ इस मंच पर इस समय दो मुसलमान बैठे हुए हैं, अमीर हैदर जैदी बैठे हुए हैं और आसिफ मोहम्मद खान, भाई मुझे आपका माइक्रोफोन बंद करना पड़ेगा देश की, जैदी साहब मुझे अब आपका माइक बंद करना पड़ेगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो। आसिफ खान भी मेरे साथ जुड़े हुए, दो मुसलमान इस मंच पर है, लगातार ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है, जब संसद खामोश आ जाती है तो लोकतंत्र के अंदर सड़कें बोलती है, 8 तारीख पहली तारीख से लेके 8 तारीख तक हिंदुस्तान में विरोध दिवस मनाएंगे।